हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम कमलेश सिंह, क्लास 10 के लिए फिजिक्स में। आज हम लोग लेंस के बाद का जो पार्ट है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो आज हम लोग मुख्य रूप से मानव नेत्र के संरचना के विषय में और उसके कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र और उसका जो कार्य है हम लोगों के लिए, वह कैसे मानव नेत्र कार्य करता है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मानव नेत्र को कैसे समझा जा सकता है, उसी विषय पर आज बात करनी है हम लोगों को। लेकिन इसके पहले हम आप लोगों को लेंस में बताए थे, लेंस में सारी चीज़ें हो गई थी। एक तथ्य जो है छूट गया था, लेंस की क्षमता जो है हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता के लिए, लेंस की क्षमता का मतलब क्या है कि कोई भी लेंस, कोई भी पारदर्शी माध्यम लेंस तब कहलाता है जब वह प्रकाश के किरणों को मोड़ता है। प्रकाश को अपने मार्ग से अगर मोड़ने वाला कोई पारदर्शी पदार्थ है तो वो लेंस है। अब उसकी क्षमता का मतलब कि जो लेंस जितना ही अधिक प्रकाश को मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक, और जो जितना ही कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही कम, और जो प्रकाश को मोड़ेगा यानी अपने सीधे आगे बढ़ने देगा उसकी क्षमता जो है शून्य मानी जाएगी। तो समतल कांच का प्लेट जो होता है, समतल कांच का प्लेट जो है प्रकाश को किसी भी दिशा में मोड़ता नहीं है। प्रकाश जो है सीधे इसमें आर पार चली जाती है, इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है। तो किसी कांच के समतल प्लेट की जो क्षमता होती है, उसकी क्षमता लेंस मान के अगर क्षमता निकाले तो उसकी क्षमता शून्य होती है। लेंस की क्षमता का सीधे सूत्र होता है, लेंस की क्षमता मतलब पावर को हम पी से दिखाते हैं, और ये सीधे जो है 1/f, जबकि फोकस, ये f जो है लेंस की फोकस दूरी है, और फोकस दूरी को हम लोग मीटर में लें तो ये होता है लेंस की क्षमता। p = 1/f, फोकस दूरी को मीटर में रखें, या p = 100/f कर दें तो यहाँ पे f जो है सेंटीमीटर में रखा जाएगा। तो ये जो है लेंस की क्षमता हो गई। अब लेंस की क्षमता को हम लोग क्या करें, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस के क्षमता का जो लेंस के क्षमता का मात्रक, इसका मात्रक जो सीधे डायोप्टर होता है, ये डायोप्टर लेंस के क्षमता का मात्रक जो डायोप्टर होता है, इसको हम लोग डी से, कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो अगर हम लोगों को किसी लेंस की फोकस दूरी पता है तो उसकी क्षमता निकाल सकते हैं, या इसका उल्टा, यदि लेंस की क्षमता मालूम है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं। क्षमता भी धनात्मक और ऋणात्मक होती है, मतलब अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, और अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, तो उस लेंस की क्षमता भी जो होगी वो ऋणात्मक होगी। अब इसके आधार पर हम लोग अगर एक से अधिक लेंसों को अगर आपस में ऐसे संपर्क में, पतले लेंसों को आपस में ऐसे संपर्क में रखे हुए हैं अगर, जिसमें अवतल और उत्तल लेंस दोनों है, तो इसकी क्षमता P1, इसकी P2 और इसकी P3 है, और तीन लेंस अगर रखे गए हैं ये एक दूसरे के साथ संपर्क में, तो कुल क्षमता की जो मात्रा होती है इन तीनों लेंसों के क्षमताओं को सीधे बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे तो यही जो होगी लेंस की कुल क्षमता। तो इस पर आंकिक प्रश्न मिलेंगे, इस जो फार्मूला हम लोगों का p = 1/f, इस पर आंकिक प्रश्न मिलेंगे। और मान लीजिए फोकस दूरी दिया है लेंस का, मान लीजिए फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस हुआ, इसको मीटर में बदल दें तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। तो क्षमता हो जाएगा इस लेंस का 1/0.5, ये हो जाएगा 10/5, यानी कि 2 डायोप्टर। इसके विपरीत अगर किसी लेंस का क्षमता दिया हो और पूछे कि लेंस की प्रकृति क्या है, लेंस कौन सा होगा, तो उसके लिए हम लोगों के पास वही फार्मूला, उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। मान लीजिए एक लेंस की क्षमता दिया हुआ है -4 डायोप्टर, तो कहेगा लेंस की फोकस दूरी बताइए और लेंस की प्रकृति बताइए। प्रकृति मीन्स ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। तो हम लोगों का जो फार्मूला है p = 1/f, इससे हम लोग f का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/p। 1/p की जगह मान रखेंगे -4, और ये होगा -0.25 मीटर, यानी कि f = हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि वह लेंस जो है अवतल लेंस होगा, और उसकी फोकस दूरी जो होगी वो 25 सेंटीमीटर की होगी। तो दोनों तरह के प्रश्न आपको बता रहे हैं हम,
कि अगर फोकस दूरी दिया हो तो क्षमता निकाल सकते हैं, और क्षमता दिया हो तो लेंस की फोकस दूरी और प्रतीति भी बता सकते हैं कि वह कौन सा लेंस होगा। इसके बाद है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। मानव नेत्र नेत्र के बिना किसी भी जीवधारी का जीवन जो है पूरे जीवन के लिए अंधकारमय हो जाता है, और नेत्र हम लोगों के शरीर बहुत ही संवेदनशील अंग है। नेत्र को हम लोग सुरक्षित रखते हैं, नेत्र को अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, तो नेत्र जो है हम लोगों का साथ जो जीवन भर देता है, और अगर हम उसमें लापरवाही करेंगे, नेत्र के जो भी उसकी स्थिति है उसके साथ अगर कोई हम लोग गलत व्यवहार अगर करेंगे तो उसके साथ ही नेत्र में दोष भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे पढ़ने लिखने के लिए इसमें समझाया जाएगा कि पढ़ने लिखने के लिए हम लोगों को अपने आँख से वस्तु को कम से कम 25 सेमी की दूरी पर रखना चाहिए। 25 सेमी की दूरी पर सीधा बैठ के पढ़ने से हम लोग का नेत्र जो एकदम सही रहता है। अब अगर हम दूरी कापी की पुस्तक की दूरी जो है इससे कम या रखते हैं तो उसमें हम लोगों के नेत्र में दोष शुरू हो जाता है, और जो आगे चल के हम लोगों को चश्मा लगाने के लिए बाध्य कर देता है। तो नेत्र के विषय में यही सब जानकारियों के लिए इस चैप्टर को सर रखा गया है, जिससे आप अपने इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण के विषय में और भी अच्छे से जान सकें। तो पूरा जो नेत्र होता है एक गोले की भांति होता है, और उस गोले का व्यास जो होता है, नेत्र के गोले का व्यास जो है लगभग 25 मिलीमीटर होता है। पूरा नेत्र जो है गोले के रूप में होता है। नेत्र का जो 25 मिलीमीटर मतलब 2.5 सेमी के आसपास उसका व्यास होता है नेत्र के गोलक का, और ये पूरा भाग जो है हम लोग के कपाल के अंदर जो संरचना है कंकाल तंत्र है उसके भीतर स्थित होता है। इसका थोड़ा भाग ही बाहर से दिखाई देता है। अब नेत्र को एक निश्चित संरचना प्रदान करने के लिए एक बाहरी परत होता है जो कार्टिलेज की तरह का होता है, मुलायम हड्डी की तरह का होता है, और इसको चूंकि ये पूरे नेत्र को एक संरचना प्रदान करता है इसलिए इस बाहरी सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। और इस दृढ़ पटल के द्वारा ही हम लोग का नेत्र जो है एक अस्थायी संरचना प्राप्त करता है। अब दृढ़ पटल अब चूंकि नेत्र के सारी सारे नेत्र जो कोशिकाओं से मिलकर बन रहे हैं, कोशिकाएं सजीव हैं और सजीव को शरीर में कार्य करने के लिए और बाकी सब क्रिया को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो ऊर्जा मिलता है कोशिकाओं को जो ऊर्जा मिलता है वह हम लोगों के शरीर में बनने वाले रक्त से मिलता है। तो इसी दृढ़ के पटल के नीचे जो है काले भूरे रंग का एक दूसरा पटल होता है, पूरे गोलक में अंदर जो है पूरे परत के रूप में फैला होता है, और इसको इसमें जो है रक्त का संचार होता है, इसलिए इस दूसरे पटल को हम कहते हैं रक्तक पटल। ये जो है हम लोगों के नेत्र को एक अस्थायी संरचना प्रदान करता है रक्तक पटल। के नीचे जो है एक तीसरा पटल होता है जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, और नेत्र में अंदर जाने वाला प्रकाश जो इसी दृष्टि पटल पे आपतित होता है, और तीसरा भाग हो गया हम लोगों का दृष्टि पटल। दृष्टि पटल की अंग्रेजी रेटिना होती है। तो पूरे तीन लेयर हो गया, एक बाहरी दृढ़ पटल हो गया, उसके भीतर रक्त पटल, और फिर उसके अंदर जो है दृष्टि पटल। अब ये दृष्टि पटल पर ही प्रकाश जो है बाहर से आने वाला प्रकाश जो नेत्र के अंदर प्रकाश जाता है वो अपवर्तन के बाद जो इसी दृष्टि पटल पर आता है। दृष्टि पटल पर ही लगभग 2 mm व्यास का एक बिंदु होता है, जिस बिंदु पर जिसको हम लोग पित्त बिंदु कहते हैं, पित्त बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर जो एक 2 mm व्यास का एक ऐसे वृत्त मान सकते हैं, 2 mm व्यास का एक वृत्त होता है, और इसी पित्त बिंदु पर वो जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं, प्रकाशिक तंत्रिकाएं मतलब जो प्रकाश यहाँ से आँख के भीतर जो प्रकाश प्रवेश करता है उस प्रकाश को, वह प्रकाश जो इसी पित्त बिंदु पे फोकस होता है, और इस पित्त बिंदु पे प्रकाशिक तंतु के सिरे आगे खुले होते हैं, इनकी संख्या जो है करोड़ों में होती है, और इसके जो सिरे होते हैं प्रकाशिक तंतुओं के सिरे, प्रकाशिक तंतु मैंने
ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। तो प्रकाशिक तंतु की संख्या जो है बहुत अधिक होती है, लाखों करोड़ों में होती है। तो प्रकाशिक तंतुओं के सिरे जो है यहीं आके खुले होते हैं, इसी पीत बिंदु पे खुले होते हैं, और इन तंतुओं के जो बाकी चीज़ें होती हैं इसी पे इन तीनों पटल से, तीनों पटल मतलब देह पटल, रक्त पटल और दृष्ट पटल से होते हुए ये बाहर मस्तिष्क को चली जाती हैं। यानी कि सूचनाएँ हमको इस पीत बिंदु पे मिलता है, और पीत बिंदु की सूचनाएँ जो है इस प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से मस्तिष्क में जाती हैं, और मस्तिष्क जो है उस प्रतिबिंब को हम लोगों के दिमाग में या हम लोगों को महसूस कराता है कि सामने की वस्तु जो है इस रूप और इस आकार की है। अब जो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है पीत बिंदु पर, कि पीत बिंदु के जो सिरे होते हैं इसके सिरे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इसके सिरे जो है शंकु के आकार के होते हैं, और पीत बिंदु के एक सिरे जो शंकु के आकार के होते हैं। ये सिरे जो है इसी क्या कहते हैं, इसी जो पीत बिंदु हम ले रहे हैं जो 2 mm व्यास का एक वृत्त के आकार का होता है पूरे क्षेत्रफल में, ऐसे शंकु के सिरे जो है बीच में और किनारे जो है एक दूसरे प्रकार का होता है जिसका आकार, इस सिरे जो है दूसरे आकार के होते हैं जिसका आकार जो ये बेलन के आकार का होता है, जिसको कि हम लोग इसको शंकु कहते हैं, शंकु सिरा, और इसको कहते हैं हम लोग सलाका, सलाका सिरे। तो ये सलाका सिरे जो होती हैं ये पित्त बिंदु के किनारों की ओर ऐसे होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, और जो शंकु सिरे होते हैं ये बीच में व्यवस्थित होते हैं, और ये सिरे जो होते हैं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब प्रकाश इन पर गिरता है तो ये अपना कार्य करते हैं। जैसे हम लोग की जीवा होती है और जीवा का हर भाग जो अलग अलग स्वाद के लिए उत्तरदायी है, बायोलॉजी में इसको देखेंगे आप लोग कि मीठा किसी दूसरे भाग से लगता है, तीखा किसी दूसरे भाग से लगता है, उसी तरह से प्रकाश जब इस पीत बिंदु पर केंद्रित होता है तो इस पीत बिंदु के हर भाग का कार्य अलग अलग है, हर भाग का कार्य अलग अलग है, मतलब श्वेत प्रकाश के लिए उत्तरदायी है ये सलाका कोशिकाएं जो है, श्वेत और ब्लैक एंड वाइट, श्वेत और काला, ब्लैक एंड वाइट वस्तुओं को देखने के लिए ये सलाका सिरे कार्य करते हैं, और शंकु सिरे जो है ये रंगीन वस्तुओं को देखने के लिए कार्य करते हैं, रंगीन। तो पीत बिंदु पे जो सलाका सिरे होते हैं ये ब्लैक एंड वाइट को देखने के लिए काम में आते हैं, और जो शंकु सिरे होते हैं इस प्रकाशित तंतु के सिरों पर ये शंकु सिरे जो है रंगीन वस्तुओं को देखने के काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के जन्मजात जो है उसमें जो हरे रंग को दिखाने वाली जो शंकु शंकु सिरे हैं ये मान लीजिए किसी कारण से खराब हो गए या ये अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को के सामने जब हरे रंग की वस्तु ले जाया जाएगा तो वह व्यक्ति जो है हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। जब हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा तो नेत्र के इस दोष को हम लोग कहते हैं वर्णांधता। ये नेत्र का एक दोष है जो कि जन्मजात होता है या किसी अन्य इन्फेक्शन से भी हो सकता है, ये कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। तो व्यक्ति को कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको वस्तु दिखाई देगी लेकिन वस्तु का रंग जो उस व्यक्ति को स्पष्ट नहीं होगा, और वही उसी वस्तु को यदि दूसरा कोई व्यक्ति देखता है जिसमें ये दोष नहीं है तो वह व्यक्ति जो उस वस्तु का रंग भी बता सकता है। तो नेत्र में एक और एक दोष होता है जिसको हम कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता का रोग जो है पीत बिंदु पर अनुपस्थित जो कोशिकाएं उस रंग के लिए उत्तरदायी हैं वह कोशिकाएं उस पीत बिंदु पे नहीं है शंकु कोशिकाएं, इसलिए उस व्यक्ति को उस रंग की पहचान नहीं हो पाएगी। वस्तु दिखाई देगी लेकिन वस्तु रंगीन न दिखाई देगी, उस व्यक्ति को वह वस्तु हरे रंग की वस्तु जो है काले रंग की दिखाई देगी। इसी प्रकार अन्य रंगों की भी वर्णांधता होती है। अगर किसी को लाल रंग का न दिख के काला रंग का दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के नेत्र में वो लाल रंग की वर्णांधता है। तो वर्णांधता जो है जन्मजात है, इसको हम लोग दुरुस्त नहीं कर सकते, इसको क्या कहते हैं मेडिकल साइंस में भी इसको दुरुस्त करने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ये हो गया हम लोगों का पित्त बिंदु। अब पित्त बिंदु के सीधे नीचे नेत्र की संरचना में पित्त बिंदु तक पहुंचे थे हम लोग, पित्त बिंदु के सीधे होता है अंध बिंदु, ब्लैक स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु पे पड़ने वाला प्रकाश जो दिखाई नहीं देता है, प्रकाश तो वो सारे प्रकाश नहीं दिखाई देते हैं जो दृष्ट पटल के इस पित्त बिंदु को छोड़ के बाकी जगह कहीं भी पड़ते हैं, वहाँ से प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं होता है, कोई अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश जो उसी भाग के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश के प्रति उत्तरदायी भाग जो है सिर्फ यही है पीत बिंदु जो कि 2 mm के व्यास के एक वृत्त के रूप में ये फैला होता है जिसमें ये शंकु सलाका की कोशिकाएं होती हैं। शंकु सलाका की कोशिकाओं के बाद
अब ये पूरा गोलक जो है खाली होता है और इस पूरे गोलक में एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का अपवर्तनांक जो है जल के अपवर्तनांक के तुल्य होता है और इस द्रव को हम कहते हैं काचाव द्रव, काचाव द्रव। हम लोग पीछे से इसको समझते आ रहे हैं काचाव द्रव, और काचाव द्रव के बाद प्रोटीन का बना हुआ एक पारदर्शी ऊतक होते हैं जो द्विफोसी होते हैं। द्विफोसी होते हैं मतलब बाहर का वक्रता त्रिज्या अधिक और भीतर का वक्रता त्रिज्या अपेक्षाकृत कम होता है। यह हम लोगों को कहता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो है यहाँ होता है, पितबिंब के सामने होता है, काचाव द्रव के बाहर यहाँ पे होता है, और नेत्र लेंस जो प्रोटीन का बना होता है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, और ये उत्तल लेंस होता है, प्रोटीन का बना होता है, पारदर्शी होता है। अब नेत्र लेंस एक लेंस है और नेत्र लेंस जो इसमें रुक नहीं सकता, नेत्र लेंस को यहाँ स्थिर करने के लिए यहाँ विशेष प्रकार की पेशी होती है जो कि इसको हमारे दृढ़ पटल से जोड़ती है। इस पेशी को हम कहते हैं सिलियरी पेशी या पश्चमाभूत पेशी, इस पेशी को कहते हैं हम लोग सिलियरी पेशी, सिलियरी पेशी, या इसको हम लोग पश्चमाभ पेशी भी कहते हैं। इस पेशी का भी अपना कार्य होता है, ये पेशियां जो है सिकुड़ सकती हैं और फैल सकती हैं। सिकुड़ सकती हैं मतलब सिकुड़ती हैं जब ये पेशियां तो नेत्र को नेत्र लेंस को खींचती हैं, नेत्र लेंस को खींचती हैं, तो नेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस को जब ऐसे खींचा जाएगा इसको बाहर की चारों तरफ से, ऐसे नेत्र लेंस है और बाहर चारों से सिलियरी पेशी लगी है, जब इस नेत्र लेंस को खींचती हैं तो नेत्र लेंस अपेक्षाकृत पतला हो जाता है और पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। या कभी ऐसी स्थिति आती है कि सिलियरी पेशियाँ जो नेत्र लेंस को दबाती हैं, नेत्र लेंस को जब दबाती हैं तो ये अपेक्षाकृत और मोटा हो जाता है और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। इस प्रकार जो नेत्र लेंस होता है, सिलियरी पेशियाँ जो होती हैं, सिलियरी पेशी नेत्र लेंस पर दबाव डालकर या उसमें तनाव उत्पन्न करके उसे पतला या मोटा कर देती हैं। नेत्र लेंस के पतले या मोटे होने के कारण लेंस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती है। सिलियरी पेशियाँ दबाव डालकर या उसमें तनाव उत्पन्न करके उसे मोटा या पतला कर देती हैं और लेंस नेत्र लेंस के मोटा या पतला होने के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती है। तो नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को हम कहते हैं समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। ये क्षमता जो है आर्टिफिशियल एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता। तो ये क्षमता जो आर्टिफिशियल लेंस में नहीं होती है, ये जो आर्टिफिशियल लेंस हम लोग बनाते हैं उसमें एक ही फोकस दूरी रह जाता है, लेकिन हमारा जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी इन सिलियरी पेशियों के कारण बदल सकता है और नेत्र की इस क्षमता को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। ये अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो सिलियरी पेशियों के दबाव या तनाव के कारण नेत्र की फोकस दूरी बदलती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने का बदलने की जो गुण होती है, जो पावर होता है, जो क्षमता होता है, इसी को हम कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता या नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की संरचना में यहाँ तक पहुँचे, सबसे बाहरी पटल दृढ़ पटल निश्चित आकार प्रदान करता है, रक्त पटल हर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, दृष्टि पटल ये अपने को पर्णल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसी पर स्थित होता है पित्त बिंदु, जिस बिंदु पर पड़ने वाला प्रकाश जो है प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से हम लोगों के मस्तिष्क तक पहुँचता है, अंध बिंदु जिस बिंदु से होकर ये प्रकाशिक तंतुएँ नेत्र लेंस के बाहर निकलती हैं इसको कहते हैं अंधबिंदु, अंधबिंदु पे पड़ने वाला कोई प्रकाश या उससे संबंधित कोई तथ्य जो हमको महसूस नहीं होता, पूरे लेंस में द्रव भरा होता है जिसे हम लोग काचाव द्रव कहते हैं। काचाव द्रव के यहाँ एक लेंस होता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। अब नेत्र लेंस जो है जुड़ा होता है चारों तरफ से सिलियरी पेशी या पश्चमाभूत पेशियों के द्वारा। अब इसके बाहर जो होता है ये होता है आयरिस, अब इसके बाहर जो होता है ये होता है आयरिस, आयरिस नहीं जो हम लोगों को बाहर से जो दिखता है, इधर आ जाइए, हम लोग नेत्र में जो बाहर से दिखता है ये श्वेत मंडल, और श्वेत मंडल में यहाँ होता है आयरिस,
और आयरिस आयरिस का रंग जो है ये क्या कहते हैं जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी के आयरिस का रंग जो नीला होता है, भूरा भी हो सकता है या काला भी हो सकता है। इसी आयरिस के बीच में होता है पित्त बिंदु, बहुत ही पतला पित्त बिंदु नहीं, इसको कहते हैं हम लोग परितारिका, परितारिका नहीं कुछ गलत होता है इसमें, आयरिस परितारिका इस आयरिस ये कार्निया पूरा जो है श्वेत मंडल कहलाता है। श्वेत मंडल जो बाहर से दिखता है गुस्सा होने पर लाल हो जाता है, ये श्वेत मंडल। आयरिस जो घूमता है इसमें श्वेत मंडल में, श्वेत मंडल के साथ इधर उधर घूमता है आयरिस। आयरिस के बीचों बीच में एक बहुत पतला सा बारीक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, परितारिका नहीं कहते, इसे कहते हैं हम लोग पुतली। और इसके बीच में फिर द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, नमकीन टाइप का होता है जो रोने होने पर निकलता है, उसी तरह का यहाँ पे जल द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। तो इस पूरे नेत्र में दो प्रकार का द्रव होता है, एक होता है कांचा द्रव जो नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में भरा होता है, एक होता है जलीय द्रव जो श्वेत मंडल और नेत्र लेंस के बीच में भरा होता है। अब पूरी स्थिति को समझिए, प्रकाश जो इसी पुतली से होकर हम लोग के माध के अंदर जो प्रवेश करता है, पुतली के व्यास को भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बहुत अधिक प्रकाश में जब चलते हैं तो बहुत अधिक प्रकाश में चलने पर पुतली से होकर जाने पर प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, और अधिक प्रकाश जो है इस पित्त बिंदु पे क्या कहते हैं कुछ दुष्प्रभाव या नुकसान कर सकता है। इसके लिए पुतली को सिकोड़ देते हैं हम लोग, आँखों को सिकोड़ लेते हैं, आँखों को सिकोड़ते हैं तो पुतली का आकार जो है अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है, और पुतली का आकार छोटा होने से अंदर प्रवेश करने में प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए पित्त बिंदु को कोई हानि नहीं होने पाता। इसके विपरीत जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो आँख को फैलाते हैं, आँख को फैलाते हैं मतलब पुतली को अब मूल आकार से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने का अर्थ यह है कि अधिक प्रकाश अंदर जाएगा और हमको वस्तु जो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, बाकी जगहों पर पड़ने वाला प्रकाश जो दिखाई नहीं देता है। अब प्रकाश जो है इस पुतली के रास्ते जलीय द्रव, जलीय द्रव से होकर नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस से होने के बाद प्रकाश जो है उस आने वाले प्रकाश को क्या करता है, ये नेत्र लेंस जो प्रकाश को इस पित्त बिंदु पे केंद्रित करता है। और आपको पता है कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब लगभग हमेशा केवल एक स्थिति को छोड़ के, जब प्रतिबिंब बहुत वस्तु बहुत पास हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। और उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो जब हम लोग इस वस्तु को देखते हैं तो देखने की क्रिया में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण इस पुतली से होकर आँख में प्रवेश करती है, इस जलीय ध्रुव से होता हुआ प्रकाश जो है इस नेत्र लेंस पर पहुँचता है, नेत्र लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब जो है इस पित्त बिंदु पे बनता है। पित्त बिंदु पे बनने वाला प्रकाश जो हम लोग पढ़े इसके पहले कि पित्त बिंदु पे जो ये विभिन्न प्रकार के शंकु शलाका कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं पे प्रकाश गिरता है, और इन कोशिकाओं में जो कोशिकाएं जिस रंग के लिए उत्तरदायी होती हैं वह संवेदना वह सूचना जो है इस प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से मस्तिष्क में भेजती हैं, और मस्तिष्क जो है उस उल्टे बने प्रतिबिंब को हमको सीधा करके दिखाता है। ये है पूरा हम लोगों के नेत्र की संरचना और नेत्र का कार्य। तो यहाँ पे नेत्र का कार्य, नेत्र के कार्य के साथ हम लोग ये भी पढ़े कि नेत्र लेंस जो है पास के वस्तु को भी देख लेता है और दूर के भी वस्तु को देख लेता है, और वह इसलिए संभव हो पाता है कि नेत्र लेंस के पास जो स्थिति पेशियों की सहायता से परिवर्तित फोकस दूरी होती है, अर्थात ही अपने फोकस दूरी को बदलने की क्षमता रखता है, और इसी कारण से जो है हम लोग पास और दूर दोनों प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेत्र में उत्पन्न दोष को पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बाढ़ता तो समझ लिए, अभिन्दुकता और सब कई प्रकार के दोष जो दोष है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन नेत्र हम लोगों के जीवन के लिए बहुत अमूल्य एक अंग है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और नेत्र की सुरक्षा और सफाई हम लोगों के लिए आवश्यक है। नेत्र की सुरक्षा के लिए कुछ प्राकृतिक व्यवस्था भी होती है। यहाँ पे देखिएगा एकदम पतला सा एक नली का सिरा आपको दिखाई देगा नेत्र के इस कोने में, यहाँ पर एक बहुत पतला सिरा दिखाई देगा, और इसी पतले सिरे से ये जो 15% NaCl का द्रव जो है इसी सिरे से निकलता है
और पूरे नेत्र पे क्या होता है, फैलता है और इस पूरे श्वेत मंडल को एक कीटाणु रहित और जीवाणु रहित बनाए रखता है। 15% NaCl के साथ जो कोई भी जीवाणु या विषाणु कीटाणु बनते हैं तो मार दिए जाते हैं। और इस पलक होता है, पलक सटल जो नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, तो पटल और इसके ऊपर आता जाता रहता है। अगर किसी कारण से ये नलिका अगर डिस्टर्ब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई या इसमें कोई त्रुटि उत्पन्न हो गया तो हम लोग नेत्र बहुत बड़ी तकलीफ उत्पन्न हो जाएगी, 50 प्रकार के इसमें इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाएंगे। तो हम लोग के नेत्र की सुरक्षा और सफाई बहुत आवश्यक है, इसके लिए हम लोगों को स्वच्छ पानी से नेत्र को धोते रहना चाहिए। और यह है पूरा हम लोगों का नेत्र। दूसरी बात यह है कि नेत्र के भीतर जाके किसी कार्य को करना भी संभव नहीं है। और नेत्र में नेत्रदान करने के समय क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, तो उसके 2-3-4 घंटे तक जो है उसके नेत्र को निकाला जा सकता है। और नेत्रदान में यही होता है कि नेत्र के साथ इन सभी प्रकाशिक तंतुओं को एक साथ यहाँ से काट के निकाल लिया जाता है। और इस पूरे गोलक को एक साथ ले जाके जहाँ इसको प्रत्यारोपित करना होता है, जिसके व्यक्ति के शरीर में लगाना होता है, इसको ले जाकर लगा देते हैं। उसके उसके जो प्रकाशिक तंतु, उन प्रकाशिक तंतुओं को इन नलिकाओं के साथ जोड़ देते हैं। अब जो सारी नलिकाएँ उसमें कुछ नलिकाएँ भी अगर आपस में जुट गई तो ये पूरा नेत्र जो है क्या कहते हैं, पूरा नेत्र जो है उस व्यक्ति के लिए कार्य करना फिर प्रारंभ कर देता है। ये होता है नेत्रदान। नेत्रदान बताया गया है, नेत्रदान जीवन का महान दान है। नेत्रदान में हम सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। ओके, अगले वीडियो में हम लोग नेत्र में उत्पन्न दोष और उन दोषों का निवारण पढ़ लेंगे, तो आपकी इस परीक्षा के लिए जो है पूरा हो जाएगा। ओके।